तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की सैलेरियो है, 2014 का मॉडल है, सीएनजी प्लस पेट्रोल कार है। इसका मैं आज डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल जो है ना लीकेज हो गया है। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, क्या क्या खोल रहा हूं मैं, वो सब आपको लाइव दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी अभी इग्निशन पोजिशन में है और मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये वाला फाइबर खोलूंगा, फिर आगे क्या क्या खोल रहा हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरी बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड खोलने के लिए सबसे पहले ये वाली गियर का जो फाइबर है ये वाला खोलना पड़ेगा, और इसमें दो क्लिप रहती है, एक दो इस साइड रहेगा और दो इस साइड रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक दो, ये खोलने के बाद इसको आप इजीली खींचेंगे ये बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निकल गया, मैं इसको पीछे रख देता हूँ। उसके बाद ये अगर आप खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दोनों एंगल खोलना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल, ताकि गियर बॉक्स की जो बोल्ट है ये सब खोल के मैं गियर बॉक्स को पलटी मार सकूँ। उसके बाद ये ग्लोव बॉक्स खोलना पड़ेगा, साइड का वो पैनल खोलना पड़ेगा और ये साइड का पैनल खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली 10 नंबर खोलना पड़ेगा और साइड का जो देख रहे हैं 12 नंबर जो दिया है वो खोलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैं जब खोल लेता हूँ फिर खोल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं फाइनली सब खोल दिया हूँ, सिर्फ मेरे को डैशबोर्ड पलटी मार के सीट के ऊपर होल्ड करना है। तो मैं क्या क्या खोला हूँ वो सब चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गियर बॉक्स खोल के पलटी मारा हूँ, ये साइड का एंगल खोला हूँ दोनों, और उसके बाद ये रही साइड का, ये दोनों 12 नंबर खोला हूँ यहाँ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली और ये वाली। उसके बाद यहाँ का 10 नंबर एक और यहाँ का फाइबर खोला हूँ। उसके बाद ये वाला फाइबर खोलने के बाद यहाँ का एक 10 नंबर। उसके बाद ये सॉकेट जो देख रहे हैं ये सब सॉकेट जितनी भी लगी है इसमें सब सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्टीयरिंग कॉलम निकाल दिया हूँ, ये रही जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों केबल निकालना पड़ेगा आपको, ये हीटर का और डायरेक्शन का। बाकी इधर का सब खुल गया है मेरा। बाकी इस साइड का जो देख रहे हैं ये ब्लोअर की सॉकेट, रेजिस्टेंट की सॉकेट और सेंसर की, कूलिंग कॉइल में जो सेंसर फिट रहता है उसकी सेंसर, ये वाली केबल। उसके बाद यहाँ का एक 10 नंबर, यहाँ का ये फाइबर। उसके बाद यहाँ दोनों 12 नंबर खोलना पड़ेगा इधर का। उसके बाद ये वाला पैनल और 10 नंबर जो ये देख रहे हैं ये वाली 10 नंबर खोलना पड़ेगा, बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इधर का एक अर्थिंग का, इधर का अर्थिंग है और इधर भी एक अर्थिंग भी है, ये वाली जो देख पा रहे हैं। तो बाकी सब डैशबोर्ड मेरी खुल चुकी है। और इसका और एक चीज़, क्लाइमेट कंट्रोल जो है डैशबोर्ड के साथ नहीं आएगा, क्लाइमेट कंट्रोल अंदर ही फिटिंग रहेगा बॉडी में, इसलिए निकलने के बाद ही क्लाइमेट कंट्रोल बाहर निकलेगा। तो चलो फिर मैं इसको पलटी मार के आगे आपको दिखा देता हूँ, पलटी मार देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। चलो फिर एक बोल्ट बटाना भूल गया था मैं आपको, जो कि स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर रहता है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली खोलेंगे तभी डैशबोर्ड निकलेगा। जैसा कि मैं आपको डैशबोर्ड को हिला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला एंगल के साथ फिटिंग रहता है, ये खोलेंगे तभी आपका डैशबोर्ड मूव करेगा। तो चलो मेरा फाइनली सब खुल गया, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। चलो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली डैशबोर्ड अपनी खुल चुकी है। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं सीट के ऊपर होल्ड कर दिया हूँ। और ये रही क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली है। तो इसको खोलने के लिए 10 नंबर, बाहर से कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीटर कॉइल का पाइप का ज्वाइंट और अपना कूलिंग एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट, वो मैं बाहर से खोल दिया हूँ। बस अपने को 10 नंबर ये सब खोलना पड़ेगा, एक दो और एक इधर रहेगा, दिख नहीं रहे यहां से। एक ये वाली चार दिया है, बस चार ही दिया है इसको। तो चलो मैं इसको खोल देता हूँ, खोल के बाहर निकालता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसका फाइनली चारों नट अंदर से खोल दिया है, दो नट है और दो बोल्ट था, खोल दिया हूँ। और एक नट बाहर से रहता है वो खोलना पड़ेगा आपको, टोटल पांच रहता है और ये इजीली मेरा बाहर आ गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाहर आ गया। चलो फिर इसको मैं बाहर लेता हूँ फिर कूलिंग कॉइल इसका खोलता हूँ। देख पा रहे हैं मैं बाहर ले चुका हूँ और चार स्क्रू खोल दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं एक यहाँ का, एक यहाँ का, दो और
एक यहाँ का, तीन और एक नीचे साइड का है यहाँ का, चार स्क्रू खोल दिया हूँ। और उसके बाद ये वाला डक्टिंग जो ब्लोअर के साथ, वो बाहर आ जाएगा अपना। ऐसा कि देख पा रहे हैं बाहर आ चुका है, उसको साइड ले ले रहा हूँ। और कूलिंग कॉइल देखिए आप किधर दिया है इसका, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अंदर भी देख लीजिए। चलो मैं कूलिंग कॉइल को बाहर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं पहले ये वाला बॉडी अलग किया, फिर हीटर कॉइल निकाला, फिर ये वाला बॉडी अलग करना पड़ा मेरे को, फिर इसके अंदर की जो स्क्रू रहेगी एक दो और एक तीन एक चार, उसके बाद जाकर के ये कवर निकलेगा अपना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निकल चुका, ये रही कूलिंग कॉइल, इस साइड से इधर से निकलेगा ये। ये रही इसका कूलिंग कॉइल, देख पा रहे हैं सड़ चुका है, इसके वजह से लीक हो चुका है ये। और हीटर कॉइल भी इसका अलग है, वैगनर वगैरह से बिल्कुल अलग दिया है, सेलेरियो का हीटर कॉइल बिल्कुल ही अलग कर दिया है, वैगनर हो गया, उसके बाद अल्टो हो गया, सबसे अलग कर दिया है मारुति का। और नया वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही नया वाला इवेपोरेटर कॉइल, जैसा कि देख पा रहे हैं। साढ़े 3000 का है कुछ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। और इसके बाद ये ऐसे आपका बैठ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं ये बैठ गया। चलो फिर मैं इसका ऊपर का कवर फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं मैं कूलिंग कॉइल का ये फिटिंग कर दिया, और हीटर कॉइल जो देख रहे हैं आप यहाँ बैठेगा नीचे, प्रॉपर तरीके से फिट करना रहता है। बैठ गया, और यहाँ एक ये रहेगा फाइबर रहेगा क्योंकि ये वाली है, मैं इसको लगा देता हूँ और ये सब फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली फिटिंग कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप फाइनली फिट हो चुका मेरा कंट्रोल यूनिट का कूलिंग कॉइल जो खोला था, फिटिंग हो गया, जूनी वाली इधर रही। अब मैं इसको गाड़ी में फिटिंग करने जा रहा हूँ, तो चलो गाड़ी में फिटिंग करता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं मैं फाइनली इसको फिट कर दिया कंट्रोल यूनिट को, तो चलो मैं बाहर भी आपको दिखा देता हूँ कि बाहर मैंने क्या क्या खोल रखा है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये अपना एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट खोला हूँ, और ये दोनों पाइप हीटर का, और वो जो 10 नंबर जो नट जो खोला हूँ वो दिखेगा यहाँ से, ये वाली नट खोला हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये वाली नट। बाकी सब मैं फिटिंग कर लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ, कॉल पैनल वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, तो चलो फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। आप देख पा रहे हैं फाइनली मैंने क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठा दिया है, अब मेरे को डैशबोर्ड मैं फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली गाड़ी को फिट कर चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड अपनी पूरी फिट हो चुकी है, जो जो भी मैंने खोला था फिटिंग कर दिया। मैं वीडियो जब डैशबोर्ड डाला हूँ उस टाइम बना नहीं पाया था, और अभी मैं लास्ट डायरेक्ट फिटिंग करके ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अपना हीटर चालू है, और हीटिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं 36 पे आ चुका है, यानी हीटिंग प्रॉपर हो रहा है। तो जब तक कि मैं इसे हीटर पे कर रहा हूँ और एसी चालू कर रहा हूँ, और हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक जा रहा है, सॉरी कूलिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक आने देते हैं नीचे। लो गैस वगैरह मैंने भर लिया, क्योंकि मैं उस टाइम वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि और पहले वाले वीडियो में गैस चार्जिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाया हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा कैसे गैस चार्जिंग करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, मेन मकसद मेरा यही है कि आप तक
पहुंचाना, ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है काम, ये सब चीज़ के बारे में आपको पहुंचाना और आपको पहुंचा के आपको समझ में समझाना। यानी आपको अगर समझ में आ जाए ना, तो आपके साथ कोई छल कुछ कर नहीं सकता है, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, या फिर आपसे कुछ गलत तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकता है। आपको अगर चीज़ें समझ में आ जाए ना, तो आपके साथ कोई भी कुछ भी बोले तो आपको समझ में आ जाए, बस यही है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हाँ वीडियो अच्छी है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और तरीके से वीडियो बनाए तो मैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे खुशी होगी। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इससे अच्छी से अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो जब तक के लिए कूलिंग टेम्परेचर देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, कूलिंग टेम्परेचर अपना 7.4 पे आ चुका है, और भी ड्रॉप होगा, एंड इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया। तो हेलो दोस्तों, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। तो जब तक के लिए चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।